हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते। आज मैं जा रही हूँ ये रस्से और बेसन 4 से 5 चम्मच के करीब, 2 रस्से हैं और साबुदाने से बहुत ही टेस्टी और यम्मी ब्रेकफास्ट बनाना जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। हमने सबसे पहले साबुदाने को, एक कटोरी साबुदाने लिए हैं, इसे आप मिक्सी जार में इस तरह से डाल करके और इसे ग्राइंड कर लें। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। इधर रस्से को भी टुकड़ा टुकड़ा कर ले, इस तरह के टुकड़े कर ले आप, इस तरह से टुकड़े कर ले और इसे भी मैं ग्राइंड करूँगी। तो इसे मैं ग्राइंड कर ले, आप देख सकते हैं मैंने रस्से को भी पूरा बना लिया है। इस तरह से मैंने उस साबुदाने को भी ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए हम लोग बड़े से एक बाउल लेते हैं, उसमें सबसे पहले मैं साबुदाने डालूँगी। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, और उसके बाद मैं ये रस्से का जो मैंने पूरा बनाया है उसे डालूँगी। उसके बबाद आप इसमें ये बेसन 4 से 5 चम्मच के लगभग मैंने बेसन लिए हैं जो वो मैं डालूँगी। इसमें नमक है 1 स्पून के लगभग, खाने वाली स्पून से नमक डालें। उसके बाद इसमें मैं थोड़े से मसाले डालूँगी, जैसे कि सब्जी मसाला यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर ले रही हूँ। ये बहुत ही आधी चम्मच के लगभग मैं ये चिली पाउडर ऐड करूँगी। इस तरह से आप चाहें तो इसमें थोड़े से गरम मसाला भी ऐड कर दें, जिससे और भी टेस्टी हो जाए। आमचूर पाउडर आप इसमें थोड़े से ऐड कर दें। आप देख सकते हैं मैंने चिली फ्लेक्स भी रखे हैं, इसे भी आप ऐड कर दें। बहुत ही टेस्टी और यम्मी ये बनेगा, आप लोग इसे मंग करके खाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को आप इस तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद में इसमें थोड़े थोड़े से पानी ऐड करते हुए, ये 1 ग्लास के लगभग पानी है, इसे थोड़े थोड़े ही मिलाएँ और इसे अच्छे से आटे की तरह आप इसे गूँथ लें। इस तरह से इसे गूँथ लें, बहुत ही टेस्टी, पूरे अच्छे से इसे मिलाएं और 2 मिनट के लिए इसे आप रेस्ट पे इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डालते रहें और इसे मिलाते रहें, ज़्यादा गीला ना करें इसे। आप देख सकते हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिला लिए इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ पर साबुदाना, कच्चा साबुदाना लिया है, इसलिए इसमें थोड़े से पानी ऊपर से आप डाल करके इसे 2 मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पे इस तरह से ढककर छोड़ दें। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आप इसे पूरा पानी अब्जॉर्ब कर गया, बिल्कुल मुझे 1 ग्लास के लगभग ये पानी लगा है। आप देख सकते हैं 1 ग्लास के लगभग मैंने पानी लिए हैं यहाँ पे। अब इसे आप छोटे छोटे शेप देते जाए इस तरह से, आप चाहें तो इसे राउंड भी इस तरह से इसे ऐसे ऐसे करके आप लंबा भी शेप बना सकते हैं। इस तरह से आप ही बना करके इधर ट्रे में आप इसे इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से आप इसे लंबा लंबा बना करके शेप बनाते जाए। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ इस तरह से। आप देख सकते हैं इधर तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें आप मैं एक एक करके इसे जो स्नैक मैंने बनाए हैं उसे डालते जाए इस तरह से। आप चाहें तो लंबा भी डाल सकते हैं और फिर भी डाल सकते हैं, धीमा फ्लेम रखें, तो बिल्कुल गोल्डन होने तक आप इसे अच्छे से तले और मीडियम फ्लेम ही रखें। बहुत ही टेस्टी और यम्मी क्रिस्पी होता है ये, लोग एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे, बहुत झटपट जल्दी बन भी जाता है। तो चलिए मैं इसे पलट, अब आप इसे एक एक करके इसे अच्छे से इस तरह से पलटते जाए। आप देख सकते हैं कितने गोल्डन और टेस्टी और यम्मी बनेंगे। तो चलिए मैं दोनों तरफ से इसी तरह से गोल्डन होने तक आप लोग भी इसे दोनों तरफ से अच्छे से सीख लें। मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे तो ये बहुत ही अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और पूरे अच्छे से पक भी जाएंगे और बहुत ही टेस्टी होगा। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं, ठंडियों में इसे चटपटा गर्मा गर्म स्नैक आप खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने यम्मी और टेस्टी, देखने में जब इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। इसे आप सॉस चटनी के साथ इंजॉय करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।